मेरी प्रिय दिवस दियां समुचे सिख जगत नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 बधाइयां। श्री अकाल तख्त साहिब सच्चे पातशाह दा महान तख्त है। मेरी प्रिय दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने श्री अकाल तख्त साहिब जी की सृजना करके मेरी ते पीरी दियां दो तलवारां धारण कीतियां। सिख धर्म के अंदर मेरी ते पीरी का धर्म राजनीति का देख ते देख दा बहुत ही सोहना जिहड़ा दवंत ते सुमेल है और एक मनुख नूं परिपूर्णता वल लैके जाण वाला सच्चा ते सुच्चा संकल्प है। अज श्री अकाल तख्त साहिब जी के स्थान के उत्ते मेरी पीरी दिवस मनाया है। श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब जी वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते समुचे गुरु खालसा पंथ के सहयोग के नाल ते तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते इस महान पावन पवित्र पुरब नूं समर्पित गतकियां के मुकाबले जिहड़े ने ओह हो रहे हैं जिन्हां दे नतीजे शाम नूं आउणे ने। मैं समुचे सिख जगत नूं खास तौर पर नौजवानों नूं ये अपील करनी चाहुंदा कि अज दा दिन सानूं शस्त्रां नाल जोड़दा है, शस्त्रां नाल प्यार करना सिखाउंदा है और शस्त्रां दा अभ्यास करन दी जिहड़ी है वह जांच सिखाउंदा है, प्रेरणा दिंदा है। जिथे असी बाणी दे धारनी बनना है उत्थे असी शस्त्र अभ्यास नूं भी अपने जीवन का हिस्सा बनाउणा है ताँ कि असी हर पक्ष तो जिहड़ा है संपन्न होकर जिंदगी बतीत कर सकीए। एक बारी फिर मैं मेरी ते पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने जो अज दे दिन मेरी ते पीरी दीआं दो श्री साहब धारण कीतियां महान पुरब नूं मेरी पीरी दिवस आखदे ने, मैं मेरी पीरी दिवस दीआं बहुत 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 बधाइयां दिंदा। एकत्रता जिहड़ी है वो बुला रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय तो धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के मान सत्कार नूं ठेस पहुँचाने वाली जिहड़ियां शरारती अंसरां वल्लों कारवाइयां जिहड़ियां ने वो बहुत वधियां ने। इस दे मद्देनज़र असी इसे 26 जुलाई नूं एकत्रता जिहड़ी है वो रख रहे हैं जिहदे विच असी सिख पंथ दीआं नामावर संप्रदावां संस्थावां दे प्रतिनिधां मुखियां नूं जिहड़ा है वो सद रहे हैं ते असी ये जानण दा यतन करांगे कि आखिर ये घटनावां जिहड़ियां ने वो क्यों वापर रहियां ने, सुझाव भी लवांगे तां कि इहदा जिहड़ा भविख दे विच असी कोई ठोस हल जिहड़ा है वो कढ सकीए। तो 26 तरीक की एकत्रता दे विच सिंह साहिबान के नाल जिहड़े है साडे संप्रदावां दे सत्कारयोग मुखी साहिबान ते जथेबंदियां दे जिहड़े मुखी है वो जरूर शामिल होणगे ते अपील भी करते हैं कि शामिल होण, सद्दा पत्र भी असीं भेजांगे ते इह असीं मीटिंग जिहड़ी है 26 तरीक नूं रख रहे हैं। यह सिर्फ राजनीति है। 88 दे विच एक निजी प्रॉपर्टी सी, ज्ञानियां दा बुंगा सी, उन्होंने जिहड़े वारस है इत्थे रहिंदे सी और उन्होंने सरकार तो मुआवजा लैके इस जगह नूं खाली किया। उस वक्त किसी ने जिहड़ा है वह रौला नहीं पाया, ना किसी ने विरोध किया। उपरलियां जिहड़ियां चार मंजिलां जिहड़ियां उदों ढाईयां गईयां, उदों कोई बलडोजरां दे अगे नहीं आया ते हुण जे एक कमरा या दो कमरे जिहड़े ने पुराने उन्हां दी बेसमेंट ते निकले आए है ते उहनूं लै के मैं समझदा शोर शराबा जिहड़ा पाउणा जिहड़ा इह ठीक नहीं है क्योंकि इह ना तां किसी दा निजी डेरा बन रहा, ना ही बीबी जगीर कौर दी कोठी बन रही है, ना ही मैनेजर दा घर बन रहा है। ये श्री गुरु रामदास पातशाह जी दे महान पावन पवित्र अस्थान का संगतां की सहूलत लई जोड़ा घर बन रहे हैं, गठड़ी घर बन रहे हैं और नाल ही सिख संगतां की सहूलत वास्ते साइकल स्टैंड बन स्कूटर स्टैंड बन रहा है ते इस दा लाभ जिहड़ा है वह सिख संगतां ने उठाउणा है। सिख संगतां इत्थे आके अपने जोड़े जमा कराउणगियां, समान जमा कराउणगियां और सिख संगतां खास तौर पर जिहड़े शहर के वसनीक ने जिहड़े नेता प्रति सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी मत्था टेकण आउंदे ने वह अपने मोटरसाइकिल खड़े कर सकणगे। तो ये स्थान जिहड़ा है सिर्फ श्री गुरु रामदास पातशाह जी का बन रहा है, ये किसी की निजी जगीर या निजी प्रॉपर्टी जिहड़ी है वो नहीं बन रही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिहाड़ा बहुत शुभ दिहाड़ा, खालसा पंथ वास्ते बहुत चढ़दी कला का दिहाड़ा। सारे खालसा पंथ नूं अज दे मीरी पीर दे दिवस की बहुत बहुत वधाई होवे। अज दे शुभ दिहाड़े ते धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 6वें पातशाह ने मीरी अते पीरी दीआं दो तलवारां पहन के धन गुरु रामदास जी की बख्शिश लई, धन गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद
इस तख्त से सुभाईमान होए संगतां नूं उन्होंने शस्त्र अते घोड़े लियाउण वास्ते उपदेश दिता। उन्हां दी जो उन्हां ढाडी वारां दा काम शुरू किया उहदे संबंध विच ढाडी वारां गाईआं गईआं, दो तलवारां वधीआं, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। सो अज दे दिहाड़े दे उत्ते सानूं धर्म अते राजनीति नूं इकट्ठा करके धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिख फलवाड़ी नूं जो महफूज रखने वास्ते शक्ति दित्ती, ताकत दित्ती, ते चार जंगां लड़ियां फतेह प्राप्त कीती, वो सारी ताकत अज खालसा पंथ दे बहुत वड्डी बख्शिश दे पात्र बनाया। मैं अज दे सारी संगत नूं बहुत बहुत वधाई दिंदी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत ही पावन पवित्र दिहाड़ा है कि अज मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने श्री अकाल तख्त साहब जी ते विराजमान हो के मेरी अते पीरी दीयां दो कृपाना धारण कीतियां और समुचे सिखां नूं शस्त्रधारी होण दे हुक्मनामे जारी कीते। ये बहुत ही पावन पवित्र सिद्धांत मेरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने समुचे पंथ नूं अज दे दिन बख्शिश कीता सी। समुची सिख संगत नूं अज मेरी पीर दिवस दीयां बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।